दोस्तों नमस्कार। अभी फ़िलहाल मैं हूँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। ये पूरा मामला है कल रात की घटना है, जहाँ पर एक महिला और एक उसके पति को, पूरे परिवार को, एक बुटलेगर, नामी बहुत बड़ा बुटलेगर जिसको कहा जा सकता है, राजू गेंडी नरोड़ा का, सरदार नगर का एक अच्छा खासा नाम, बुटलेगरों की दुनिया में सबसे बड़ा नाम लोग इसका नाम लेते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम सुधीर राजकिशोर दीक्षित। क्या कल रात की क्या घटना हुई थी? कल रात में बात धमकी भरा फोन आया, उसके लड़के का नाम है विकी, उसने बोला मकान खाली करो नहीं तो तुम्हारा सामान फेंक दूंगा मैं। मैंने बोला मेरे पैसे दे दो फिर मैं मकान खाली कर दूंगी। बोला मैं 2 दिन की मोहलत देती हूँ। तो मैंने बोला 2 दिन की मोहलत तुम दो, मैं कल पैसे लेने आ रही हूँ, परसों तुम्हारा मकान खाली कर दूंगी। तो बोला नहीं दूंगा पैसे। कौन से पैसे, किसके पैसे, मैं खैरात के पैसे बांटता हूँ क्या? ऐसे मेरे को बोला, गाली गलौज करने लगा। मैंने बोला जो करना हो तुम कर लो। फिर उसके बाद? उसके बाद वो आया, घर पे आया, मार कूट करने लगा। मैं घर से बाहर निकली, उसकी माँ आई, उसका भाई आया रवि और बिक्की, और उसकी माँ भारती, मेरे को मारने लगी। हल्ला हुआ, पेट में लात मारा मेरे, मैं बाल खींचे, मेरे कपड़े फाड़े। हल्ला हुआ तो गली के लोग आए, मेरे को गंदी गंदी गाली देने लगी। बोले तेरे पति को मार डालूंगी, तेरे बच्चे को मार डालूंगी, तेरे घर में किसी को नहीं छोड़ूंगी, बहुत यूपी के भैया जी हो ना, सब निकाल दूंगी तुम्हारा। तो तब तक ये सब लोग उठ के आए, गली वाले आए, मेरा आदमी आया, सब लोग उठ के आए, बाहर आए, तो ये लोग उड़ाने लगे मेरे को। तो मेरे पति को मारा ईंटों से, पत्थरों से, जो मिला उससे मारा। मेरे शरीर में खरोंच के निशान है। मेरे देवर को मारा सर में ईंट से, पत्थर से। मेरे भाई को मारा, मेरे बाप को मारा, मेरे दूसरे भाई को मारा, सबको मारा। मैंने 100 नंबर पे फोन लगाया, तो 100 नंबर में 3-4 बार मैंने फोन लगाया, तो पुलिस वाला बोलता कहाँ है आपकी जबर कॉलोनी, मेरे को पता नहीं। फिर मेरे को भाग के रात में जाना पड़ा 2 बजे पुलिस चौकी में, बुला के लेके आई राजू गेंडी को। उसने देखा, उसने पकड़ा नहीं, राजू गेंडी वांटेड है। राजू गेंडी कहता है कि जाओ आप भैया, मैं सब संभाल लूंगा। पुलिस वाला बोलता है बुटलेगर को, हाँ राजू गेंडी को बोलता भैया आप जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। उसके बच्चे भी गए थे हमारे साथ में पुलिस चौकी। पुलिस चौकी में उसके बच्चों से कुछ नहीं, न पकड़ा गया, न उससे कुछ पूछताछ की गई, कुछ भी नहीं हुआ। हमसे हमारी FIR लिखी गई, 2 घंटे में हमारी FIR बनी। फिर उसके बाद हमें सिविल भेजा गया। आपको पैसा किस चीज का राजू के पास से लेना था? अरे हमारा पति काम करता 10-15 साल से। किस चीज का काम करते थे वहाँ? दारू का काम करता था। ठीक है, नाम है सुधीर राजकिशोर दीक्षित, राजू गेंडी के संग में पार्टनरशिप करता था। तो पैसे हमारे फंसे थे 6 लाख रुपए, तो पैसे दे नहीं रहा था। तो मेरे पति ने धंधा छोड़ दिया, बोला पैसे नहीं मिलते हैं तो वहाँ धंधा क्यों करूँ मैं, रोज पुलिस की मार तो खानी नहीं है किसी को, रोज वांटेड। तो मैंने बोला छोड़ दो धंधा, पैसे ले लो अपने, अपना दूसरा कुछ करेंगे धंधा वो पैसे का। तो वो पैसे दे नहीं रहा था, तो वो बोला अगर तुम दूसरा कुछ काम करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पहले ही इसको धमकी दे दी मेरे पति को, मैं भैया जी हो तो ये को बर्बाद कर दूंगा मैं। राजू गेंडी ने बोला कहीं दूसरी जगह काम करोगे तो। अभी 6 महीने बाद फिर फोन करता है, बोलता है मकान खाली करो, मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं कौन से पैसे, किस बात के पैसे? मैंने बोला तुम्हारा सब काम, जो काम दारू का करते हो सब मैं बता दूंगी पुलिस को, सब मैंने बोला ऐसा। तो वो बोलता है कि बता दे, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जज को पैसे खिलाता हूँ, मैं पुलिस को पैसे खिलाता हूँ, मैं सबको पैसे खिलाता हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। तुम लोग क्या रोड के भिखारी, मेरा क्या कर पाओगे? ऐसे मेरे को बोल के मेरे को मारा रात में, मेरे पति को मारा, पूरे गली को हल्ला किया, पूरे गली को हैरान किया उसने, गली वाले मोहल्ले को भी लगा है चोट पत्थरों से। इनके पति से भी जानने की कोशिश करेंगे कहाँ किस तरीके से इनको मारा, कहाँ पे आपको चोटें आई हैं। एक तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मारा है, आँखों पे भी चोट के निशान है, गले पे भी हैं, और पीठ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त मारा गया है इनको, और सिर पे भी लगा हुआ है। इनके पति से ही जानने की कोशिश करेंगे कि राजू गेंडी है क्या। राजू गेंडी का बूट लेकर मेरे को धंधा नहीं करने का, मेरा काम नहीं करने का है।
तो वह नहीं दूंगे, दूसरे आप कितने समय से उसके राजू के साथ में काम करते थे? 13 साल से। 13 साल से। हाँ। माल कहाँ से लाता था, क्या करता था, किस तरीके से, सारी बातें आपको पता है? सब पता है। बरोबर, इसमें पुलिस वाले भी लोग शामिल रहते थे? सब शामिल रहते थे, ऊपर से लेके सब नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक। यानी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार राजू गेंडी करता था। अभी भी क्या नरोड़ा के अंदर धंधा करता है ये? हाँ, चालू है। अभी भी धंधा चालू है। कितना माल उतारता है, किस तरीके से क्या करता है? गाड़ी आती है, गाड़ियाँ खाली होती है पुलिस की रहम नज़र के अंदर, नज़र के अंदर होती है। उसमें वांटेड है डूंगरपुर रहने का, उसको लिखा हुआ है, हाईकोर्ट ने दिया हुआ, डूंगरपुर रहो भाई तुम। हाँ, यहाँ पे कल रात को यहाँ पे आके हमको घर पे मारा है। अच्छा, वांटेड आरोपी घर। हाँ, हाईकोर्ट से उसको नोटिस मिला हुआ है कि डूंगरपुर को रहने का राजस्थान में, और अहमदाबाद में आकर हमको मारा है। अहमदाबाद में आकर के आपको मारा है? पुलिस के सामने, पुलिस ने उसको भगा दिया। पुलिस ने भगा दिया? लोग कहते हैं कि वो परमिशन लेकर के बिजनेस कर रहा है। परमिशन लेता है ना, पुलिस देती है परमिशन। कितने का उसका भरन है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या, ऊपर से नीचे अलग अलग से अलग अलग भरों का, सब अलग अलग हिसाब से अपना पैसा लेके जाते हैं। PI का अलग, क्राइम का अलग, SP का अलग, PCB का, DCP का, Zone 3-4 का अलग, सब अलग अलग होता है। अच्छा, तो अभी आपको इस पूरे मुद्दे पे आपने अभी जैसे कि बताया कि कोई डॉक्टर साहब भी आकर के बोले आपको, धमकाए कि भाई आपको समाधान करना है, क्या है वो मामला पूरा? वो मनोज शुक्लानी आया था कल रात को 2:30 बजे। मनोज शुक्लानी आपको 2:30 बजे आया था कल, वो पहले वो नोड़ा पाटिया में है मनोज शुक्लानी, तो आपको 2:30 बजे हमको पुलिस स्टेशन में आया था हमारे पास कि समाधान कर लो, समाधान कर लो, नहीं तो बाकी हम ऊपर से हम नीचे से सबको जानते हैं, हम सब पद करा। यानी ये 15 साल से नरोड़ा विस्तार के अंदर ही इसी तरीके से दारू का धंधा करता था, इंग्लिश का? मैं 12 साल से करता हूँ, वो तो कह लो कितने साल से करता है। अच्छा, मैं 12 साल से उसके पास, उसके साथ में थे। अभी जब आपने छोड़ दिया तो उसके साथ आपने, पिछले 6 महीने छोड़ दिया, छोड़ दिया था, तो आपको उसने मारपीट किया आपके साथ, आपके परिवार के साथ? काम नहीं करेगा, मेरे पास ही काम करेगा, आपके पास ही काम करेगा। मगर ये दारू का चैनल तो काफी चलता है लंबे टाइम से। भले वो दारू के मेरे पति की मेहनत की कमाई है, रोज वॉलेट होता है, रोज पुलिस